ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हटाओ इसे। अरे वाह, अरे वाह मालिक वाह, जवाब नहीं आपका भी, क्या तरीका निकाला है आपने। उस सूरजन को तो सपने में भी मालूम नहीं होगा कि अनाज की सारी बोरियां आपने यहाँ पे छुपा के रखी हैं। वो बेचारा तो भंडार में जाकर खुद मात खा चुका है। पर मालिक, एक बात समझ में नहीं आई, आपको ये कैसे शक हुआ कि सूरजन ऐसा कुछ करने वाला है? क्योंकि मैंने सूरजन को छिपते छिपाते भंडार से बाहर निकलते हुए देख लिया था और मुझे ये विश्वास हो गया था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए सावधानी के तौर पर मैंने अनाज की सारी बोरियों की जगह बदल दी। ये काम अब तुम दोनों का है कि सारा अनाज यहाँ पर सुरक्षित रहे, जब तक मिर्जा हकीम के लोग इसे यहाँ पर लेने नहीं आ जाते तब तक कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी भी। समझ गए तुम दोनों? जी मालिक। ढक दो। सुन ले खुदा, आज बहुत खफाया हम और खफाए तुमसे। हमारे साथ जो किया हमें मंजूर है, लेकिन जूसा बेगम को इस तकलीफ में क्यों डाला? क्यों उन्हें उस दोहरा पे लाकर खड़ा कर दिया? चाहे एक तरफ उनका शौहर उनके सामने है जिसे सलाह देने से पहले वो मर जाना पसंद करेंगी, और दूसरी तरफ उन गांव वालों का यकीन जिसे तोड़ना उन्हें हमारा नहीं होगा। तो फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? जवाब चाहिए हमें। पत्थर पर मारते हो और बाकी 6 पत्थर पर उसका असर होता है, उसी तरह एक इंसान को चोट पहुंचाओगे, एक का दिल तोड़ोगे तो बहुतों को तकलीफ पहुंचेगी। आज तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है, लेकिन कभी सोचा है जिस जिस को तुमने दर्द दिया, जिस जिस को तुमने तकलीफ पहुंचाई, उनके भी कुछ रिश्ते होंगे, माँ होगी, बाप होंगे, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, क्या उनको तकलीफ ना हुई होगी? जो हम करते वो लौट कर आता है, जो हमारे लिए सबसे कीमती होता है उसी को हमारे किए का भुगतना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि एक का दिल तोड़ते हो तो पूरा घर टूट जाता है। आज तुम्हारे अपनों को चोट पहुंची है, अब या तो उनका दर्द अपने सर लो या उन्हें भुगतने दो। अब वो दर्द तुम्हें महसूस करने की बारी है जो तुम्हारी वजह से औरों ने सहा है। कौन हो तुम और हमसे ये बातें क्यों करते हो, और हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? मैं तुम्हारे अंदर की रूह हूँ, तुम्हारी वो नींद ही जिसके साथ तुम सोते हो, तुम्हारी वो एक उम्मीद हुई जिसके साथ तुम जागते हो। मैं वो दिन हूँ जो तुम्हें रात से अलग करता है, मैं वो खुशी हूँ जो तुम्हें महसूस होती है, मैं वो दर्द हूँ जो तुमने किसी और को दिया है, जो तुम्हें भुगतना होगा। मगर
वली अहद जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद। अपने बड़े भाई रहीम की तरह फतेह होकर लौटो। वली अहद, शहंशाह ने एक संदेशा भिजवाया है, वो थानेश्वर में आपसे भेंट करेंगे और युद्ध में आपकी सहायता भी करेंगे। जी, एक बार अगर हम अनारकली का दीदार कर लेते तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता। भाईजान, हमें निकलना चाहिए, कल सुबह हमें वहां मंजिल पर भी पहुंचना है। बेशक। सब दिखावा है, सिपाही लड़ते और ये जीत का झंडा फहराते। जिसकी सांसें रकासा हो के घुंघरुओं में बसती हो, उसके मन में अपनी अवाम के लिए क्या मोहब्बत होगी। ये सिर्फ हुक्म देंगे और सिपाही अपना खून बहाएंगे, और ये अपने खेमे में शराब और शबाब में वक्त काटेंगे। कैसी दुविधा, शहंशाह निर्दोष है, चाहे कुछ भी हो जाए हम स्वयं अपने हाथों से शहंशाह को डर नहीं दे सकते। हम शहंशाह को नहीं डर देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। से कुछ चाहते हैं जो था बेगम, आपको हमें सजा देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है जोधा बेगम, अगर आप हमें सजा नहीं देंगी तो ये सजा आपको भुगतनी होगी, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। नहीं शहंशाह, हम भले सबके सामने स्वीकार कर लेंगे कि हमारा आपसे क्या संबंध है, हम विष खा लेंगे, परंतु हम स्वयं अपने हाथों से को दंड नहीं दे सकते। ये दंड नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है जोधा बेगम। आपको आपको किसी ने चुना है हमें सजा देने के लिए, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। कल भरी पंचायत के सामने आप हमें सजा सुनाएंगी। परंतु हमारी बात को समझने की कोशिश करें आप जोधा बेगम, अनजाने में हमने बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचाई, अब शायद हमें तकलीफ सहनी होगी। ये हमारे उन गुनाहों की कीमत है जो हमसे अनजाने में हुआ, हमें ये कीमत चुकानी होगी जोधा बेगम। ये सब आपको किसने कहा है? उसी बच्चे ने। कौन? हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो हमारे पास आता है, हमसे बात करता है, ना जाने वो किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता सिवाय हमारे। खैर, आपको हमारी कसम जोधा बेगम कि कल आप हमें सजा देंगी। जोधा बेगम, आप इस गांव की सरपंच हैं, लोगों ने आपको चुना है इंसाफ के लिए, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। परंतु एक पत्नी होने के नाते भी हमारा धर्म है शहंशाह, और हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। हाँ, हमसे ये गुनाह नहीं हुआ है जोधा बेगम, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जिनकी सजा अब हमें भुगतनी होगी। भूल जाइए कि हम आपके शौहर हैं, बस इतना याद रखिए कि आप इस गांव की सरपंच और सबके सामने क्या साबित हुआ है। जोधा बेगम, आपको अपना फर्ज निभाने के लिए चुना गया है, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। अभी आप यहाँ से जाइए, कोई हमें आपके साथ देख न ले। हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमने आपसे कहा आपको याद रखना होगा। कुछ तो है राधा का, कौन था ये आदमी जो राधा से मिलने आया, वो भी आधी रात को? हो सकता है कोई दवाई देने आया हो,
यहाँ कोई सूचना देने आया हो? कुछ भी हो, कोई इनके पास क्यों नहीं आना चाहेगा? ये है ही ऐसी, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। आपने चोरी करने और गांव वालों को धोखा देने का अपराध किया है सुरजन, और आपको इस अपराध का दंड मिलेगा। आपका दंड है कि अब आप इस गांव में रहने का अधिकार नहीं रखते हैं। आपको इस गांव से निष्कासित किया जाता है। नहीं राधा जी, इस गांव को छोड़कर जाने का मतलब है अपने परिवार से, अपने अपनों से दूर चले जाना। अगर आपको छोड़कर चला गया, ऐसा कुछ नहीं बचेगा हमारी जिंदगी में। इस बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। नहीं, आपका यही दंड है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। यदि यह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता है तो एक और दंड है राधा जी, इसे दीजिए ना वो दंड जो हर डाका डालने वाले को दिया जाता है। ठीक है, मुझे ये दूसरा दंड स्वीकार है, लेकिन आपको छोड़कर इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं। अरे आप क्या कर रहे हैं? जगदेव ने जो दंड बताया है, अब मुझे वो दंड दीजिए, लेकिन मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, आपका बस यही दंड है कि आप अपनी पत्नी के साथ ये गांव छोड़कर चले जाइए बस। लेकिन जब दूसरा दंड है तो आप मुझे वो दीजिए। आप क्या कर रहे, चलिए इस गांव से चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राधा जी, आप मुझे वो दूसरा दंड दीजिए, लेकिन मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फिर से आपके पांव पड़ूंगा। राधा जी, दीजिए ना इसे वो सजा। अब दीजिए मुझे वो दूसरा दंड। ठीक है, दूसरा दंड है दस कोड़े। हमारी बात मानिए, आप एक गांव छोड़कर चले जाइए। नहीं, मुझे 10 कोड़ों का दंड स्वीकार है। पेट का दर्द। आदाब हैदर जी, देखिए हम आपके लिए क्या लाए। या खुदा, ये पेट का दर्द कम था, तूने इसे सर दर्द को भेज दिया। हमने अम्मी जान को बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आई हो? पर आए हो? हम तो आपके अपने हैं, सबसे अपने, और खाना ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, तो इसलिए हम आपके लिए ये लाए काढ़ा। काढ़ा? आपको पता, हम ना बहुत खुश है कि आप ना जंग पर नहीं गए। इसी बहाने हमें आपको ना और जानने का मौका मिल जाएगा। नहीं, हम आपको ना अपने हाथों से पिला देते। हम अपने हाथों से पी लेंगे। हम पिला देते ना। ये अजीब सा क्या था? दवा। इससे आपका काम भी हो जाएगा और जो रुका हुआ काम है वो भी हो जाएगा। रुका हुआ मतलब? तुमने क्या पिला दिया? अच्छा, क्या ना? मुराद, मैं कम्स नहीं था, मैं ज्यादा कुछ खाना खा लिया था। याला, नहा लिया? अबे नहाया क्यों? नहाने से ना खाना नहीं बचता। अब देखना, हमारा नुकसान ना बहुत जल्दी कमाल कर देगा। तुम्हें मार डालें।
राधा जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाती हूँ। नहीं मथुरा, अगर ये इंसाफ है तो होने दो, मैं खाऊंगा तो छोड़े। समझते क्यों नहीं? अब भी वक्त है, सबको बता दीजिए कि आप कौन है। अरे दरबार में किसी को हक नहीं है कि शहंशाह को कोड़े मारे। चलो समझ लीजिए। मैं मुकर बेगम, अब हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है और खुदा के लिए अब जोधा बेगम की मुश्किल आता बड़ा है। अगर आपसे दर्द नहीं सहा जाता है तो दूर हो जाओ उनसे और अपनी आंखें बंद कर लो, जाओ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अब वो दर्द तुम्हें महसूस करने की बारी है जो तुम्हारी वजह से औरों ने सहा है। मैं वो दर्द हूँ जो तुमने किसी और को दिया है, जो तुम्हें भुगतना होगा। ये देखो आ गए हमारे शहंशाह। अरे ये तो महलों के शहंशाह है, इन्हें हम गरीब लोगों से क्या। यहाँ आवाम तड़प रही है, ये लोग महलों में ऐश कर रहे हैं, थो है इन पर। सरपंच जी, 10 कोड़े पूरे हो। खोल दो इसे। सबको मालूम था कि शहंशाह चला लागरा से बाहर एक आम आदमी के भेष में आम आदमी की खिदमत करने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही जलाल एक आम मुजरिम बनकर भरे बाजार में आम जल्लाद के हाथों सजा पा रहा था। शायद हमारे बुरे कामों का यही अंजाम था। हमने ना जाने कितनों को सजा दी, ना जाने कितनों को मौत के घाट उतारा था, मगर पहली बार एहसास हुआ कि सजा देने और सजा पाने में कितना फर्क होता है। हिमाकत भी मत करना। पहले खुद इन्हें कोड़े पड़वाए और अब इनके जख्मों पर मरहम लगाने आ गया। अपना ओहदा बनाए रखने की इतनी चाहत है आपको कि आपने अपने शौहर को हिंदुस्तान के बादशाह तक को सजा दे बैठी। कितनी गिरी हुई है आप। बिल्कुल सही कह रही है रुकैया बेगम, बहुत गिरे हुए हैं हम। दंड के अधिकारी है, मारिए हमें रुकैया बेगम, मारिए, छोड़िए, क्योंकि आज हमने जो अपराध किया है वो क्षमा मांगने के भी योग्य नहीं है। पर हम क्या करते, शहंशाह का आदेश हमारे लिए इतना बड़ा था कि उसके आगे हम सब कुछ सह सकते।
हमारे लिए तो यही इतना बड़ा दंड है कि हम अपने पति को मरहम भी नहीं लगा सकते। जोधा बेगम, हमने आप पर गुस्सा इसलिए किया क्योंकि आपने जलाल को तकलीफ दी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये फैसला लेते वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। पानी। जोधा बेगम, जाइए पानी लेकर आइए और ये लेप हमें दीजिए। जल्दी जाइए। हम मिर्जा हाकिम के साथ यहां तक तो आ गए राजा साहब, परंतु अब क्या, हम इनके साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। फिर आपका अधिक समय तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। पता नहीं हाकिम के मन में क्या योजना चल रही है। हम अपने वस्तु दो जी, वो हम पर नजर रखें, राजा मान सिंह पर, तुम पर नहीं। हम तुम्हारा भेस बदल कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही बात हाकिम मिर्जा को समझ में आएगी वो अपना आपा को फेंटेगा, वो हमारे पीछे अपने सैनिक भेजेगा। इस बात का फायदा उठाकर तुम लोग यहाँ से निकल जाना, हम तुम्हें थानेश्वर के करीब मिलेंगे। जब लड़ना ही है तो मुगल सल्तनत के निष्ठावान बन के लड़ेंगे। आप चिंता न करें राजा साहब, आपके आदेश का पालन होगा। से बाहर जाने का दंड दिया तारा, तो आपने वो क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि हम महसूस करना चाहते थे कि घोड़ों की मार कैसी होती है। हमने अपने अपनों को बहुत सजा दी, लेकिन ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं जो हमने दिया है लोगों को। जड़ी बूटी अपने घाव पर लगाते रहना, आप लोगों के घाव शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये लो दवाई। दूर हटो, तुम जैसे चोर डाकुओं के हाथ से दवा तो क्या जहर भी ना ले हम। हाँ हाँ भैया, क्या पता दवा के बदले जहर ही दे दे। हाँ हाँ। क्या भरोसा इस चोर का? कोई भरोसा नहीं है। ए, कहां जा रहा है? अब तुझसे यहां कोई सेवा नहीं करवाएगा, चल अब मजदूरी कर। सब्जियों की ये बोरियां उठाकर रसोई घर में रखकर आ।